हाय फ्रेंड, कुकबिज ज्योति में आपका स्वागत है। आज हम लोग रोटी बनाना सीखेंगे, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आटा लेंगे, आटे को अच्छे से चाल लेंगे। तो मैंने आटा चाल के एक थाली में ले लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी करके आटे का डो तैयार करेंगे। तो इसमें हम पानी डाल दिए हैं, इसको ऐसे अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो मेरा आटा गीला हो जाएगा। ऐसे ऐसे गूंथ लेंगे इसको अच्छे से। ये देखिए मेरा आटा मैंने गूंथ लिया, इसको अच्छे से रेडी हो गया है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे थोड़ा सा आटा नरम हो जाए। तो मैंने 5 मिनट के लिए रख दिया था। आप देख सकते हैं मेरा आटा बन के रेडी हो गया है। अब इसका हम रोटी बनाएंगे। इससे अब हम छोटी छोटी गोलियां बना के रोटी बेलेंगे। ये चकले पे थोड़ा सा आटा लगाएंगे। अब हम ऐसे आटे का एक गोली लेंगे, उससे अब हम रोटी बेल लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने बना लिया गोली। अब इसको हमें बेलना है बेलन से। ऐसे हल्के हाथों से बेलेंगे तो रोटी मेरी एकदम गोल सी बनेगी, एकदम बढ़िया बनेगी। ऐसे हल्के हाथों से बेलते जाएंगे। इसके हमें किनारों किनारों पे ऐसे बेलन चलाना होता है। रोटी मेरी बन के रेडी हो गई है। मैंने तवा पहले से रख दिया है गैस पे, गैस को ऑन कर दिया है। तवा मेरा गर्म हो गया था तो हम इस पे रोटी डाल दिए हैं। रोटी मेरी एक तरफ सिक गई है, इसको हम अब पलट देंगे। ये देखिए मैंने पलट दिया है। अब दूसरी तरफ भी थोड़ी सी पक जाएगी तब हम इसको सेकेंगे। देखते हैं अभी नहीं पकी है। मेरी रोटी अब पक गई है, अब हम इसको सेकेंगे। दूसरी रोटी भी डाल देंगे ऐसे ऐसे धीरे धीरे से। इसको ऐसे फुलाना है। आप देख सकते हैं मेरी रोटी बहुत ही बढ़िया गोलगप्पे जैसी फूली है। ये देखिए इसको ऐसे हल्के हाथ से पकाएंगे। इसी तरह हम अपनी सारी रोटियों को पका लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।